नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 मार्च 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं मसाला यानी हल्दी की देश के विभिन्न हिस्सों में भाव, महाराष्ट्र के क्या भाव रहे, तमिलनाडु वारंगल के क्या भाव रहे, ये इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही धनिए के ऊपर भी चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में धनिया के क्या भाव रहे और कितनी उनकी आवक रही, उसके ऊपर हम विशेष अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं टर्मरिक यानी TMC यानी हल्दी के ऊपर। 7 मार्च 2022 सांगली महाराष्ट्र के अंदर अराइवल लगभग 23,000 बैग्स की थी और राजपुरी में 8,600 से 8,700 के भाव रहे और मार्केट में लगभग 200 रुपये की गिरावट दर्ज हो रही है। अब टर्मरिक नांदेड़ से महाराष्ट्र से अराइवल 3,500 बैग की, गट्टा 7,200 से 7,200 क्वालिटी अनुसार, फिंगर 7,200 से 8,700 के भाव रहे, मार्केट यहाँ स्टेबल बताया जा रहा है। अब चर्चा कर रहे हैं वारंगल से, अराइवल लगभग 50 बैग्स की है, गट्टा 6,600 से 6,700 और फिंगर 6,700 से 6,800 के भाव रहे। टर्मरिक केशमद्रा के अंदर अराइवल 140 की है, गट्टा 5,090 से 6,800 के भाव, फिंगर 6,680 से 7,100 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं धनिया यानी कोरिएंडर के अंदर क्या संभावना रही और क्या भाव रहे। मध्य प्रदेश से गुना से धनिए की 1700 यानी 1700 की बैग्स की आवक है और बादामी भाग 8800 से 9000, स्कूटर 9500 से 9800 और ईगल 9400 से 9700 के भाव रहे, यहाँ पे मार्केट 100 रुपये की गिरावट की बात चल रही है। जहाँ तक राजस्थान के कोटा से धनिया के भाव आ रहे हैं, सबसे पहले अराइवल 1500 बैग है, बादामी 8700 से 9000 के भाव, ईगल 9000 से 9300 के भाव, मार्केट में 100 रुपये की गिरावट बताई जा रही है राजस्थान कोटा से। रामगंज मंडी राजस्थान धनिया के की अराइवल लगभग 15,000 बैग्स रही और बादामी 9,000 से 9,100 और ईगल 9,400 से 9,500 के भाव रहे, यहाँ 100 रुपये की गिरावट दर्ज हो रही है। धनिया बारन के पर जो है 2,000 बैग्स की आवक रही, अराइवल बादामी 9,000 से 9,200 और ईगल 9,300 से 9,500 के भाव रहे, मार्केट यहाँ पर स्थिर बताया जा रहा है। धनिया कुंभराज MP से भी एक खबर आ रही है, वहाँ पे अराइवल 8,000 बैग्स की है और बादामी 8,800 से 9,200 के भाव हैं, ईगल 9,300 से 9,600 के भाव हैं, मार्केट के अंदर स्थिरता बताई जा रही है। दोस्तों, ये था हल्दी और धनिए के ऊपर देश की विभिन्न मंडियों के भाव महाराष्ट्र, MP और राजस्थान के। अब आगे क्या संभावनाएं बनेगी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, धनिए के ऊपर हमने तेज़ी की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित की, 6,500 का धनिया 10,000 से ऊपर बिका और TMC यानी हल्दी के अंदर भी हमारी पूर्व विश्लेषण सही साबित हुआ। आगे आने वाले समय में 1 से 1.5 महीने के अंदर धनिए के अंदर विशेष मूवमेंट बनने की पूरी संभावना बन रही है और ये नई फसल पे क्या अभी माल लेना चाहिए या फिर आगे रुक के लेना चाहिए, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए स्टॉकिस्ट और बड़े कारोबारियों के लिए विशेष रिपोर्ट हमने जारी कर दी है। आप भी यदि चाहें तो भुगतान कर ये विशेष रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। एक और महत्वपूर्ण बात, बाजारों के सितारे हर रोज मंडे टू फ्राइडे 10:15 से 10:45 लाइव शो को ज्वाइन और देखना ना भूलें। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज पर देश का एकमात्र शो जो आपको सीधी सपाट बात में अब बताता है कि आज तेजी है या मंदी, शेयर बाजार के अंदर क्या रहेगी तेजी और मंदी, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, सोना चांदी के ऊपर क्या संभावना बनेगी, बिल्कुल सीधी बात। इसके अतिरिक्त निफ्टी के अंदर क्या संभावना है, ये सभी जानकारियाँ 10:15 से 10:45 के बीच देखना ना भूले इसी चैनल पर बाजार के सितारे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।